कुछ साल पहले 4GB रैम स्टैंडर्ड था हर चीज़ के लिए, चाहे वो ब्राउजिंग हो, मल्टीटास्किंग हो या फिर गेमिंग। अब जाके वो 8GB हो गया है। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि 4GB और 8GB रैम में कितना परफॉर्मेंस डिफरेंस है। तो पहले ट्राई करते हैं एक साथ कितने यूट्यूब के टैब्स क्रोम में ओपन कर सकते हैं। तो 4GB रैम में टोटल 23 टैब्स ओपन हुए, 24 टैब में PC फ्रोज हो गया और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी बंद हो गया। 8GB में टोटल 61 टैब्स ओपन हुए, उसके बाद PC फ्रोज हो गया कुछ सेकंड के लिए। अब ट्राई करते हैं कुछ गेम्स और देखते हैं क्या डिफरेंस निकलता है। सारे गेम्स 1366x768 रेजोल्यूशन में खेले गए और फुटेज है सब 8GB रैम के। पहले आता है फोर्टनाइट मीडियम सेटिंग्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं एवरेज FPS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मिनिमम बहुत है। अगर आप फोर्टनाइट 4GB रैम में खेलना चाहते हो तो आपको ग्राफिक सेटिंग्स लो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉलोआउट 4 लो सेटिंग्स में। इसमें एवरेज FPS का डिफरेंस बहुत ही कम है, लेकिन मिनिमम 1% और 0.1% लो FPS 0 है। इसका मतलब 4GB रैम में बहुत ही ज़्यादा स्टटर और लैग होगा। अगला है GTA 5 नॉर्मल सेटिंग्स में। एवरेज FPS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो 8GB में 1% और 0.1% लो FPS 30 के आसपास है, जो कि 4GB रैम में 9 और 1 है। तो 8GB रैम में ये गेम बहुत ही स्मूथ चलेगा कंपेयर टू 4GB। लास्ट है आयरन साइट हाई सेटिंग्स में। इस गेम का स्कोर ऑलमोस्ट सेम है 4GB और 8GB रैम में। तो पुराने गेम्स और लो ग्राफिक्स गेम्स दोनों स्मूथ चलेंगे 4GB रैम में भी। तो अगर आप सिर्फ पुराने गेम्स खेलते हैं या आपके PC के बाकी कंपोनेंट्स उतने पावरफुल नहीं है, तो 4GB रैम आपके लिए काफ़ी होगा। 8GB रैम में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।